तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो डिजिटल नॉलेज चैनल। तो मैं आज आपको पेटीएम पोस्टपेड के बारे में कुछ जानकारी बताने वाला हूँ, जैसा कि उसके अंदर कितनी आपको लिमिट मिलती है या किस तरह आपको उसे एक्टिवेट करना है, लेट फीस चार्जेस क्या होने वाले हैं, कन्वेंस फीस चार्जेस क्या होने वाले हैं, या आपको अगर इस महीने आपको अपने पेटीएम पोस्टपेड लेटर अगर आपने एक्टिवेट कर लिया है तो आपको उसे अगले महीने पे करना चाहिए या इसी महीने पे करना चाहिए, या फिर आपको अगर उसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो सारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब हम पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही पेटीएम को ओपन करते हैं कुछ इस तरह इसका इंटरफेस आएगा। उसके अंदर आपको सीधा नीचे जाना है। यदि आप नीचे जाओगे तो आपको नीचे दिख रहा है पेटीएम पोस्टपेड बराबर में पर्सनल लोन, फ्री क्रेडिट स्कोर करने के लिए ईएमआई कैलकुलेटर। तो आपको अगर पर्सनल लोन लेना है तो आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको ऊपर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है पर्सनल लोन। तो जैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा पहले, तो आपको यहाँ पर ज़रूर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो आपको ऑफ़र मिला या नहीं। मेरे पास लोन का ऑफ़र आया नहीं है क्योंकि मैंने कागज़ यहाँ पर लगा कर देख लिए, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसके बाद लोन का ऑफ़र मुझे नहीं मिला। तो आप भी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगा कर देख लेना। आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोलेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसके बाद आपको दिखा देगा ऑफ़र है या नहीं है। अगर होगा तो आपको यहाँ पर लिमिट दिखा देगा कितनी लिमिट आपको मिली है, वरना तो आपको यही दिखाएगा सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन। बाकी आपको पीछे आना। अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, तो पेटीएम पोस्टपेड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके अंदर आपको किस तरह एक्टिवेट करना है सारी बात मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड लगाने के लिए बोलेगा और तीन चार उसमें वो आते हैं, ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहले आधार कार्ड लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको पिन कार्ड लगाना पड़ता है और अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेनी पड़ती है। तो ये आपका पेटीएम जो पोस्टपेड लेटर होता है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में एक्टिवेट होने के बाद में कितना आपको मिला कितना नहीं मिला वो आपको यहाँ दिखा देगा। जैसे कि मुझे 2000 रुपये का मिला है, पहले भी मेरा 2000 रुपये का था। तो ये अभी मेरा पेटीएम पोस्टपेड लाइट है, इससे पहले आपका पेटीएम पोस्टपेड गोल्ड रहेगा शायद, तो क्योंकि गोल्ड से बढ़कर ये लाइट पर पहुँच जाता है तो आपकी लिमिट बढ़ जाती है। तो मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसमें मैंने दूसरे महीने में अपना एक दिन लेट कर दिया था, तो मेरी लेट फीस चार्जेस भी दिया था मैंने, तो उसके बाद मेरी ये लिमिट भी नहीं बढ़ी थी, 2000 की 2000 ही रह गई। पेटीएम पोस्टपेड लाइट तो मेरा हो गया मगर 2000 से ऊपर लिमिट नहीं बढ़ी थी। अगर आप लेट नहीं करते हो फीस तो आपकी पेटीएम पोस्टपेड गोल्ड के बाद में आपकी ये लाइट हो जाएगा, तो आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको बस थोड़ी सी ध्यान रख के चलना, मेरे से जो गलती हुई है आप मत करना। तो जैसे आपको अब ये दिख रहा है पेटीएम पोस्टपेड मेरे 2000 रुपये की लिमिट है, तो मैं पहले ले चुका हूँ तो पे करने के लिए बोल रहा है। तो 1 सितंबर को इसका बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने के बाद में आपकी जो कन्वेंस फीस होती है वो इसमें लग कर आती है। अगर आप 30 तारीख से पहले पे करते हो तो आपको यहाँ पर कन्वेंस फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2000 के 2000 पे करने पड़ेंगे। तो 2000 की लिमिट मिली थी, मैंने 2000 रुपये ले लिए, और मुझे अगर 30 तारीख से पहले जमा करता हूँ तो 2000 ही पे करने पड़ेंगे। और मैं 1 तारीख के बाद जमा करता हूँ तो 1 तारीख को आ जाता है बिल जनरेट हो जाता है इसका। तो बिल जनरेट होने के बाद में आपको 30 रुपये कन्वेंस फीस और देनी पड़ेगी, जो मेरे 2000 रुपये लगती है। आपके जितना अमाउंट मिला होगा उसके ऊपर अलग अलग होगा। तो पासबुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। पासबुक पे आने के बाद आप देख सकते हो 2023 रुपये मेरे पेड हुए हैं, कन्वेंस फीस मेरी 30 रुपये की लगी है। तो 2000 रुपये मैंने ले लिए थे बालाजी जनरल स्टोर को पे कर दिए थे, तो 30 रुपये कन्वेंस फीस लग के 2023 रुपये मैंने पेटीएम पोस्टपेड बिल रिपेमेंट की है। तो नीचे तक देख सकते हो आप 2000 रुपये 23 की मैंने पेमेंट की अभी तक, और 23 रुपये की कन्वेंस फीस ही लगी है, जो कि 7 तारीख से पहले पहले आपको पे करनी पड़ती है अगले महीने की। अगर आपने इस महीने में अगर किसी भी दिन लिया है, चाहे आप 2 तारीख में ले लो, 5 तारीख में ले लो, 15 में ले लो या 20 में ले लो, आपको उससे अगले महीने के 7 तारीख से पहले पहले ही पे करना है। और 7 तारीख के बाद अगर पे करते हो आप एक दिन भी लेट हो जाते हो तो आपको लेट फीस चार्जेस भी देना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि लेट फीस चार्जेस कितना लगता है। तो अभी मैंने आपको कन्वेंस फीस दिखाई है, ये आपको 1 तारीख के बाद देनी पड़ती है। 1 तारीख से पहले जमा करोगे जितना भी आपका अमाउंट हो तो आपको वो भी देनी नहीं पड़ेगी। तो नीचे चलते हैं सीधा। तो कन्वेंस फीस के बाद अब आपको लेट फीस दिखाता हूँ। तो लेट फीस चार्जेस में मेरी गई थी, ये आप देख सकते हो। तो नहीं, ये नहीं है, कहाँ गया, ये है लेट फीस चार्जेस। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने सब शुरुआत में लेने के बाद में सब पे करने के बाद में मैं एक दिन लेट हो गया था, 8 तारीख को लेट फीस चार्जेस इसमें इंक्लूड हो गया 250 रुपये। 8 नवंबर आपको दिख रहा होगा क्योंकि 7 तारीख को उनके पे नहीं कर पाया था, तो लेट फीस चार्जेस अगले दिन उन्होंने 250 रुपये इसमें ऐड कर दिया, जो मैंने 15 तारीख में पे किया है 2273 रुपये, 250 ये और 23 रुपये की कन्वेंस फीस।
तो लेट फीस चार्जेस 2000 रुपये पे, अगर आप एक दिन भी लेट होते हो तो 250 रुपये लगेगी, आपका जितना अमाउंट हो उसके हिसाब से और एक्स्ट्रा लगेगी, ठीक है। तो मेरी 2000 रुपये इतनी लगी है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कितने पे कितने लेट फीस चार्जेस लगते हैं। अगर आपका पेटीएम पोस्टपेड गोल्ड है तो उसको लाइट होने में 2 या 3 महीने बाद आपका वो लाइट हो जाएगा और आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। पर लाइट होने के बाद, पेटीएम पोस्टपेड लाइट होने के बाद में आपकी लिमिट नहीं बढ़ती है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। आप ये सोच रहे हो कि पेटीएम पोस्टपेड लाइट के बाद मेरी लिमिट और बढ़ेगी, तो उस तरह की लिमिट नहीं बढ़ती है मेरे साथ, क्योंकि मैंने जितने के भी अकाउंट देखे हैं तो पेटीएम पोस्टपेड लाइट होने के बाद में उनकी जितनी भी लिमिट होती है उससे आगे वो नहीं बढ़ती है, 8000 होती है या 6000 होती है, तो इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाती, चाहे कितना भी अच्छा वो पे कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने जहाँ तक देखा तो सिविल स्कोर पर भी कोई इफेक्ट नहीं करता, ना तो ये सिविल स्कोर बढ़ाता है और ना ही सिविल स्कोर को घटाता है। तो ये सिविल स्कोर पे तो मैंने इसका कोई असर देखा ही नहीं है अभी तक, तो मैं सिविल स्कोर के बारे में आपको नहीं जानकारी दे सकता कि सिविल स्कोर पे ये अपना डालता है या नहीं डालता, तो सिविल स्कोर पे मैं कह नहीं सकता। फिलहाल तो जो भी है मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो में आगे भी लाते रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।